टीआरडी टीम को मेरी तरफ से सत सत प्रणाम। शायरी लिखना है मेरा काम। यमन शायरा नहीं था ये, रियली ठीक है। तो भाई एक थॉट से शुरुआत करता हूँ, कि समय ही तो है, कोई जहर थोड़ी ना है, जो घूंट भरते ही मर जाओगे। तो चार लाइनों का शेर शुरू करता हूँ कि लिखना अभी शुरू किया ही था, कि कलम ने जवाब दे दिया, क्या लिखोगे वफा के बारे में, यहाँ तो शहर के शहर तबाह कर रखे हैं बेवफाओं ने। एक भाई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले पे लिखा है कि ये दूरियां तो पहले से ही थी, अब कुछ फासले और बढ़ गए, और तुम क्या जानो, कैसे रोकता हूं अपने आप को इस बेवफाओं के शहर में। और अगला शायर देखिए भाई कि शायरी नहीं जज्बात लिखता हूं, दर्द नहीं दर्दे श्याम लिखता हूं, और तुम क्या जानो मेरी मोहब्बत का राज जिसे मैं सरेआम लिखता हूं। एक मेहनत के ऊपर भाई, पवन चौधरी ना दोस्त है उसके ऊपर है, अगर कोई रंग चढ़ाना है अपने आप पर तो मेहनत का रंग चढ़ाओ यारो, क्योंकि ये बारिश के बाद उतरता नहीं, मेहनत के पसीने से और निखरता है, और चार लाइन पिताजी पे लिखने की कोशिश की है तो प्लीज साथ दीजिएगा। तो मैंने बापू को, अपने हिस्से की चीज बच्चों को बांटते देखा है, और सर्दियों में मैंने बापू को बरामदे में सोते देखा है, और जब आया बुआ जी का भात, तो अपने से पहले बच्चों के नए कपड़े बनवाते देखा है, और लास्ट की दो लाइन सुनिए कि हम तो महज, दीवारें हैं, सच में छत तो पिताजी है। और जब वो तकलीफ में होते हैं तो उनके ऊपर है कि मन करता है तेरे हर दर्द की दवा बन जाऊं, तुम पूछो हाल मेरा और मैं गले से लग जाऊं। एक और अभी इसी में चार लाइन, तुझे यूं तकलीफ में देखकर मुझसे रहा नहीं जाता, तड़पता है ये दिल मेरा बस तुझसे कहा नहीं जाता। और जब आपस में नाराजगी होती है एक दूसरे की तो उस पे लिखे है चार लाइन, हूं मैं नाराज तुमसे तो फिर क्या हुआ, तुम्हारे लिए तो आम बात है, बशर्ते तुम पूछ लो एक बार हाल मेरा तो मेरे लिए वो ईद का चांद है। एक भाई स्टार्टिंग में जो प्यार होता था उस पे है कि तुम्हारी नादानियां लिखूं या खामोशियां, नहीं पहले वही लिखता हूं जो पसंद आया था। आपका सादगी भरा वो चेहरा देख के मन ही मन में भी बहुत मुस्कुराया था। एक दोस्तों के लिए है जो आज साथ खड़े हैं, हरियाणवी में भाई, हरियाणा से हूं, थूक के हम दोबारा चाट्या नहीं करते, और यार आगे यार हैं किसी चीज ने नाट्या नहीं करते, लडले कुछ बात हो तो बोल दिए, आधी रात ने बोल दिए, तेरे लिए जान हाजिर है, तू बेशक तोल लिए, अरे ये टिंकू की कलम है झूठ नहीं लिखेगी, और तू जब चाहे जब बोल दिए।
ब्रेकअप के बाद भाई जब न्यारे न्यारे हो जाते हैं तो अलग अलग शहरों में रहते हैं, तब कहा कि आज मैं तेरी सारी यादें तेरे शहर में छोड़ आया हूँ, आज मैं तेरी सारी यादें तेरे शहर में छोड़ आया हूँ, ढूंढ लेना अपनी वही, शायद बिखरी हुई मिलेंगी, मैं बस एक सपना अपनी माँ का लाया हूँ। एक है भाई, ये भी ब्रेकअप के बाद का ये कि उसको मतलब जब उसके रिलेट कर पाते कि फिर रह जाती थोड़ी बहुत, बाद में एहसास होता है कि प्यार तो वो बेहिसाब कर गई, प्यार तो वो बेहिसाब कर गई, जिंदगी एक खुली किताब कर गई, जिंदगी एक खुली किताब कर गई, एक चाहत थी उनके साथ जिंदगी बिताने की, एक चाहत थी उनके साथ जिंदगी बिताने की, पर वो वापस आने को इनकार कर गई। एक और उनके ऊपर कि ढूंढा जमाना चाहत में तेरी, ढूंढा जमाना चाहत में तेरी, मैंने ना पाया कुछ भी सनम, ना तुझसे कोई शिकवा है ना कोई गिला है, मुझ में ही कुछ खामियां थी सनम। एक जैसे ब्रेकअप हो जाता है तो अलग अलग सिटियों में रहने लग जाते हैं, तो फिर वहां जम नहीं पाते, तो उस पे लिखा है कि गुजर रही है जिंदगी अनजान शहर में, गुजर रही है जिंदगी एक अनजान शहर में, कोई तो हो हमारा हाल पूछने वाला, गुजर रही है जिंदगी एक अनजान शहर में, कोई तो हो हमारा हाल पूछने वाला, यूं तो बहुत हैं हमारे चाहने वाले इस शहर में, यूं तो बहुत हैं हमारे चाहने वाले इस शहर में, कोई तुम सा हो जाने वाला। एक लास्ट चार लाइनें पढ़ना चाहूंगा भाई, ये मेरी फेवरेट है और 2012 में लिखी थी कि जैसे बंदा का प्यार से बिल्कुल मन उठ जाता है और कोई विश्वास नहीं करता वो, तो उसके बाद में लिखी हुई है कि नजरों से नजरें मिली फिर से शरारत हो गई, नजरों से नजरें मिली फिर से शरारत हो गई, दिल ने भी सोचा एक दफा क्या फिर से मोहब्बत हो गई।